आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हमारा क्वेश्चन कहता है हमारे पास जो फोकल लेंथ है एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की ठीक है उसमें जो कॉनवेक्स सरफेस है उसको हमने सिल्वर कर दिया दैट इज 0.3 मीटर्स ठीक है अगर न्यू है लेंस की 7.4 सॉरी 7/4 रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स सर्फेस का प्लेन तो तो वाला सर्फेस और दूसरा सर्फेस हमारा कॉन्वेक्स सर्फेस है और उसको हमने सिल्वर कर दिया ठीक है ये हमारा किस तरीके से हम इसको डिटरमाइन डिपेक्ट कर सकते जब हमने सिल्वर कर दिया इट इज़ इक्विवेलेंट ऑफ़ वन प्लानो कॉन्वेक्स लेंस फिर उसके बाद एक कॉन्वेक्स मिरर ठीक है फिर उसके बाद हमारे पास एक और प्लानो कॉन्वेक्स लेंस ठीक है अब ऐसा क्यों क्योंकि अगर हम देखें हमारे पास सपोज करो कोई रे आ रही है ठीक है ये हमारा एक प्लानो कॉन्वेक्स मिरर लेंस ही था बस शुरू में ठीक है इससे हमारे पास रेज आ रही है तो किसी भी तरीके से हमारी रेज आई ठीक है वो हमारी डिफ्लेक्ट हो गई कहीं पे भी ठीक है उसके बाद हमारे पास एक सिल्वर्ड लेंस की वजह से हमारा वो एक मिरर की तरह हो रहा है यूज तो वो डिफ्लेक्ट हो गई तो हमारे पास एक मिरर की भी आई और फिर उसके बाद हमारी वापस लेंस से क्रॉस की है ना रेज तो ऐसे हुआ तो इसलिए हमारे पास दो प्लानो कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉन्वेक्स मिरर ठीक है उनका हमारा सम होगा हमें क्या पता है कि जो पावर होगी हमारे इस आ, पूरे सिस्टम की उसकी वैल्यू क्या होगी दैट विल बी पावर ऑफ मिररर ठीक है प्लस टू टाइम्स ऑफ पावर ऑफ लेंस ठीक है इससे हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारी टोटल फोकल लेंथ है दैट इज इक्वल टू वन अपॉन फोकल लेंथ ऑफ मिररर प्लस वन अपॉन सॉरी टू अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस ठीक है तो अगर हम लेंस की बात करें तो तो अब अगर हम लिखे फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला ठीक है वन अपॉन फोकल लेंथ क्या होगा इट विल बी न्यू माइनस वन इन टू वन अपॉन आर वन प्लस सॉरी माइनस वन अपॉन आर टू दोनों हमारे सर्फेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर ठीक है तो इससे हमारे पास क्या आएगा हम अगर देखें हमें पता न्यू हमारा सेवन बाई फोर ठीक है अब हम हमें क्या पता है आर वन जो है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर कॉन्वेक्स सर्फेस और जो आर टू है दैट इज रेडियस ऑफ कन्वेचर फॉर प्लेन सरफेस और उसकी वैल्यू है हमारी इन्फिनिटी ठीक है क्योंकि कर्व क्यों, तो हो नहीं रहा उसके बाद हमें तो पता है फोकल लेंथ है ठीक है हमें निकालनी है ठीक है एफ एल तो अगर हम वैल्यूज डालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा हमारे पास आएगा वन अपॉन एफ एल दिस इज इक्वल टू न्यू इज सेवन बाई फोर माइनस वन इंटू वन अपॉन आर जब हमें निकालना है कॉन्वेक्स सर्फेस का ठीक है तो इससे हमारे पास क्या आएगा अपॉन इज आर सी माइनस जीरो तो ये जीरो यही रह गया ठीक है ये हमारा वन बाई एफ एल है हमारे पास एफ एल की वैल्यू आ गई सिमिलरली अगर हम एफ एम निकालेंगे हमें क्या पता है कि ये हमारा जो है हमारा ये जो मिरर है ठीक है इसका हमारा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है सॉरी जो हमारा फोकस है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, है ना इस डायरेक्शन में ये फोकस है हमारा और हमें क्या पता है जो फोकल लेंथ होगी मिरर की दैट विल बी हाफ रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर कॉन्वेक्स सरफेस ठीक है तो अगर हम इस दोनों की वैल्यू डालेंगे एफ एम और एफ एल की तो हमारे पास क्या आएगा हमारे पास आएगा वन अपॉन एफ एस दिस इज इक्वल टू एफ एम के हमारा आर आर सी बाई टू तो वन अपॉन एफ एम होगा हमारा टू अपॉन आर सी ठीक है इससे हमारे पास आएगा वन अपॉन एफ एस एफ एस विलवल टू फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल अपन फोर टाइम्स ये होगा हमारा

1.05 मीटर ठीक है ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है कॉन्वेक्स सरफेस का मेजर गिवन बाय ऑप्शन नंबर बी थैंक यू क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर